एवरीवन, मैं बुसाइली बलगे और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल आवाज़ भी में। आवाज़ भी में एक ऐसी सोच है जो युवाओं को संगठित करता है और सभी युवाओं को संगठित करना आवाज़ भी का लक्ष्य है, जो कि आज के काल में बेहद महत्वपूर्ण है। तो आवाज़ भी में आज हम बात करेंगे बुद्ध धम्म के ग्रंथ के बारे में। बुद्धिज्म को, तथागत गौतम बुद्ध को और बुद्ध के धम्म को आज विश्व भर में सभी जानते हैं। बुद्धिज्म ये एक विश्व भर का एक ऐसा धम्म है जो प्राचीन काल से लेकर तो अब तक के वर्तमान तक के सबसे तेजी से बढ़ने वाला धम्म है और मानवता मतलब ह्यूमैनिटी के रास्ते चलने वाला यह धम्म है। जैसे कि सबको पता है कि सभी रिलीजन्स के अपने अपने धर्म ग्रंथ होते हैं और धर्म ग्रंथ यानी कि उनके धर्म से जुड़ी बातें, धर्म से जुड़ी नीति नियम या जीवन आचार विचार या धर्म से जुड़ी उस धर्म की शिक्षा। तो इस तरीके से सभी रिलीजन्स के अपने अपने एक धर्म ग्रंथ होते हैं। तो वैसे ही बुद्ध धर्म में भी बुद्ध धर्म का एक मेव ग्रंथ है। तो आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। बुद्ध धर्म के ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक यह एकमेव बुद्ध धम्म का ग्रंथ है जो कि ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। त्रिपिटक को ही पूरे विश्व भर के बुद्धिस्ट लोग अपने बुद्ध धम्म के ग्रंथ के रूप में उपयोग करते हैं। तो अब प्रश्न मन में ये भी आता होगा कि त्रिपिटक ही बुद्ध धम्म के ग्रंथ को क्यों कहा जाता है। तो त्रिपिटक इसलिए कहा जाता है क्योंकि त्रिपिटक को तीन अंगों में विभाजित किया गया है। तीन अंगों में विभाजित किया गया है मतलब तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में उसका डिवीजन मतलब विभाजित किया गया है। तो जो त्रिपिटक है वो पूरे पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक में गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं, शिक्षा लिखे गई है, बुद्ध धम्म की जो नीति नियम है और बुद्ध धम्म के जो उपदेश है, धम्म क्या बताता है, धम्म के बारे में विश्लेषण है। और तथागत गौतम बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में मतलब कम से कम गौतम बुद्ध ने 45 साल धम्म दीक्षा दिया है, वही धम्म उपदेश त्रिपिटक में उस उपदेश का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने बताया कि त्रिपिटक तीन भागों में विभाजित किया है, वो कुछ इस प्रकार है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। जो पहला जो भाग है, पहला जो पिटक है विनय पिटक, उसमें इस बारे में बताया गया है कि भिक्षु या भिक्षुनी के जीवन कैसे बिताना चाहिए, उनके जीवन बिताने के नीति नियम या फिर उनके आचार विचार। वैसे ही उपासक और उपासिका मतलब जो सामान्य लोग हैं उनके जीवन जीने के नीति नियम और उनके आचार विचार, इन सब के बारे में पहला जो भाग है विनय पिटक, इसमें बताया गया है। दूसरा जो भाग है सुत्त पिटक, उसमें तथागत गौतम बुद्ध ने जो अपने जीवन भर जो उपदेश दिए हैं, धम्म दीक्षा दी है, उसके बारे में सुत्त पिटक में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन करके बताया गया है। जो तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, उसमें जो बुद्ध धम्म है मतलब बुद्ध धम्म जो बुद्ध धम्म की सच्चाई है और धम्म का जो बहुत ही ऊंचे स्तर पर जो डिटेल्स हम बोलते हैं, विश्लेषण बोलते हैं, उस प्रकार का अभिधम्म में वो विश्लेषण धम्म के बारे में किया गया है। तो इस प्रकार से बुद्ध धम्म का ग्रंथ है त्रिपिटक और त्रिपिटक तीन भागों में विभाजित किया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये हुई जानकारी त्रिपिटक के बारे में मतलब बुद्ध धम्म के एकमेव ग्रंथ के बारे में। पर त्रिपिटक इस बुद्ध धम्म का निर्माण कब किया गया, इसको किसने निर्माण किया और किस ईसा पूर्व में निर्माण किया, किस तरीके से निर्माण किया, इस सभी बातों की जानकारी हम जानेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए केवल इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।